हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को छोटी सी जानकारी देने वाला हूं, जो कि जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। मेरा ये जानकारी ये है कि जैसे बहुत सारे से पैसेंजर से जो टिकट बुकिंग करते वक्त वो तत्काल हो या नॉर्मल हो, उनका टिकट एक कन्फर्म हो जाता है, बाद बाकी कुछ वेटिंग रह जाता है। तो उस समय उस सिचुएशन में वो क्या कर सकते हैं, तो मैं आप सभी को बता दूँ कि अगर उस सिचुएशन में अगर आप काउंटर से टिकट लिए हैं, चार टिकट लिए हैं जिसमें एक टिकट कन्फर्म हुआ, तीन टिकट कन्फर्म नहीं हुआ, तो आप उस पर एडजस्ट करके ट्रेवल्स कर सकते हैं। अगर वही टिकट अगर ऑनलाइन बुकिंग किए हैं, चार में एक कंफर्म हुआ, तीन नहीं हुआ है, तो आपको कोई उपाय नहीं है, आपको टिकट कैंसिल ही करना पड़ेगा। अगर वही चार में तीन कंफर्म है और एक वेटिंग है, तो आप इजीली ट्रेवल कर सकते हैं, वो ऑनलाइन टिकट में भी आप सफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो और जनरल टिकट में खास करके क्या होता है कि जैसे आप कोई काउंटर से टिकट वगैरह लिए हैं, ठीक है, जनरल टिकट में होता क्या है कि काउंटर से अगर टिकट लिए, एक कंफर्म हुआ और तीन वेटिंग रह गए, तो उसमें भी आप ट्रेवल कर सकते हैं। ये सब आप लोगों को पता भी होगा कि हाँ, काउंटर का वेटिंग वैल्यू होता है ट्रेवल करने के लिए। एक्चुअली और बात क्या है कि तत्काल टिकट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बुकिंग करते वक्त होता क्या, वो लोग तत्काल टिकट मतलब बुक कर लेते हैं, वेटिंग लिस्ट बुक कर लेते हैं। तो रेलवे को ऐसा करना नहीं चाहिए। बहुत बार ऐसा मैं देखा हूँ, और मैं आपको एक पिनर भी दिखाऊंगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इस पिनर में सेम केस, सुबह के चार्ट लगने के बाद मेरा एक सीट कन्फर्म हुआ, बाद में दो वेटिंग रह गया, तो इसमें तो कोई ट्रेवल्स कर नहीं पाएगा, जाने के बाद फाइन ही लगेगा, क्योंकि दो टिकट तो कैंसिल हो चुका है। अगर यही तीन टिकट में से दो टिकट कन्फर्म होता, एक टिकट वेटिंग लिस्ट रहता, तो आराम से इजिली पैसेंजर्स ट्रेवल्स कर सकता है। ये रेलवे का गाइडलाइंस में है, ठीक है, कि अगर आप एक पीएनआर में चार टिकट बुक होता है तत्काल में और नॉर्मल में छः टिकट, तो वो जैसे छः टिकट आप बुकिंग कर रहे हैं, छः टिकट में जाए, जैसे कि आपका दो टिकट या तीन टिकट कंफर्म हुआ, तीन टिकट वेटिंग रह गया है, तो काउंटर टिकट पर आप ट्रेवल कर सकते हैं, ऑनलाइन पे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और मान के चलिए कि जैसे कि आप ऑनलाइन टिकट बुक किए हैं, ठीक है, और चार में तीन कन्फर्म है, एक वेटिंग है, तो आप ट्रेवल कर सकते हैं। एक कन्फर्म है, तीन वेटिंग है, तो आप ट्रेवल्स नहीं कर सकते हैं। इसमें कोई आप मतलब कुछ उम्मीद भी नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस एक छोटी सी जानकारी थी, जो कि तत्काल कोटा में एक टिकट वेटिंग लिस्ट आ गया था, दो और एक कन्फर्म हो गया था, और आजकल आप लोगों को पता होगा कि तत्काल टिकट मिलना कितना मुश्किल हो गया है, वो भी हार्ड रूट का टिकट था, बंदा को मतलब एक टिकट कन्फर्म हुआ, दूसरा नहीं हुआ, दोनों और तीनों को जाना जरूरी था, वो लोग क्या कर सकते हैं, इस केस में कुछ कर नहीं सकता है, तो इस केस में वही कर सकते हैं, स्टेशन पर जाके मतलब टीटी वगैरह से बात करना पड़ता है। फिलहाल ये लोग ऐसे ही गए, टीटी से बात करके ही ये लोग गए, ठीक है। तो आप लोगों का भी अगर टिकट वेटिंग बुकिंग हो जाता है, तो आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आप रेलवे स्टेशन पर जा सकते हैं। अगर आपका बड़ा स्टेशन है, तो बड़ा स्टेशन का टीटी से बातचीत करके टिकट बनवा सकते हैं, और नहीं है तो आप ट्रेन के अंदर आप टिकट बनवा सकते हैं, ठीक है। सो होप कि आप सभी को हमारी जानकारी काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करके, ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक पहुँच सके।